हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट जीके ऑफ स्टैंडर्ड 6। सो लेट अस स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, सो टुडे आई विल स्टार्ट योर यूनिट नंबर 5, वर्ल्ड ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, एंड चैप्टर नंबर 38, बिहाइंड द कैमरा। ओके, नाउ व्हाट इज इन दिस चैप्टर। इन दिस लेसन बिहाइंड द कैमरा, जनरली हम ये वर्ड कहाँ सुनते हैं? मूवीज में। ठीक है, मूवीज इन द सेंस कि जब आप कोई मूवी का ट्रेलर देखते हो तो उसमें आपको कभी कभार ऐसा सुनने को मिलता है कि बिहाइंड द कैमरा, मतलब कि कैमरे के पीछे। अब मूवीज कैसे बनती है, कहाँ बनती है, तो ये सब जो होता है, मतलब कि जो मूवीज बनती है वो कहाँ बनती है? कैमरे के पीछे। ठीक है, तो उसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स है यहाँ पे जो आपको अनइवन ऑर्डर में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे अलग अलग लेटर आपको दिया हुआ है, उसको आपको अरेंज करके एक वर्ड बनाना है जो उससे, मतलब कि बिहाइंड द कैमरा, जो फिल्म इंडस्ट्री के वर्ड के साथ रिलेट करते हो। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ड जो आपको दिया है उसका मैंने आंसर लिखा है डायरेक्टर। ठीक है, अभी डायरेक्टर क्या करता है, तो ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन मतलब कि उसका इंस्ट्रक्शन दिया है, दिस पर्सन इज द मेकर, इंस्ट्रक्टर एंड क्रिएटर ऑफ द फिल्म। मतलब कि जो डायरेक्टर होता है वो क्या करते हैं, फिल्म को बनाते हैं। बनाते हैं मतलब कि उसको कैसे सीन क्रिएट करना है, कैसे एक्सप्रेशंस देना है, कौन से एंगल से सीन को लेना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं एक्टर और एक्ट्रेस को, ये सब वर्क कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। नेक्स्ट जो आपको दिया है वो वर्ड है स्क्रीन राइटर। स्क्रीन राइटर मतलब कि जो स्क्रिप्ट लिखता हो। ठीक है, जो स्क्रिप्ट लिखता हो, कौन से डायलॉग्स रखने हैं, कौन कौन सा डायलॉग बोलेगा, कौन से कैरेक्टर का क्या डायलॉग है, स्क्रीन पे उसका डायलॉग क्या होगा, ये सब जो डायलॉग्स बनाते हैं उसको कहते हैं स्क्रीन राइटर, जो मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हैं। नेक्स्ट वन इज सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर क्या होते हैं कि अभी जैसे कि फिल्म का डायरेक्टर डायरेक्टिंग हो गया, स्क्रिप्ट भी लिख ली, ठीक है, लेकिन कैमरा, जब जो सीन हम कैमरा में कैप्चर करते हैं वो कैप्चर कैसे करना है, कौन से एंगल से करना है, किस तरह से करना है, ठीक है, फिर उसको एडिट कैसे करना है। अभी जैसे फिल्म को जिस तरह से उन्होंने शूटिंग किया वैसा का वैसा तो हमको दिखा नहीं देंगे ना, उसको एडिट भी करेंगे कि कुछ सीन कट कर देंगे या कुछ सीन ऐड करेंगे। तो सिनेमेटोग्राफर का वर्क क्या होता है, ये देखना कि कैमरे में कौन सा सीन कैप्चर कर रहे हैं, किस एंगल से कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं और उसको किस तरह से एडिट करना है, ये वर्क होता है सिनेमेटोग्राफर का। फोर्थ है कोरियोग्राफर, जो मूवीज में डांस सिखाता है उसको कोरियोग्राफर कहते हैं, ये तो सबको पता है। एंड लास्ट वन इज म्यूजिक डायरेक्टर, कौन कैसा म्यूजिक रखना है, ठीक है, उसका जैसे कि कोई भी सीन होता है उसमें, मूवीज में कोई भी सीन होता है तो बैकग्राउंड में, सीन के बैकग्राउंड में किस टाइप का साउंड क्रिएट करना है, ये सब देखने का काम कौन करता है? म्यूजिक डायरेक्टर, कि हर एक सीन के बैकग्राउंड में या हर एक डांस के बैकग्राउंड में कौन सा म्यूजिक रहेगा। ठीक है, ये वर्क कौन करता है? म्यूजिक डायरेक्टर। नाउ उसी 38 चैप्टर में बी सेक्शन, बी में आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो फर्स्ट इज द टीवी चैनल सहारा इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड
डेजर्ट। अब एक टीवी चैनल है सहारा करके, जिसके बारे में हमें पता है। तो ये सहारा वर्ड कहाँ से आया? तो अरेबियन कंट्रीज में एक डेजर्ट है, वो डेजर्ट का नाम है सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो ये जो सहारा डेजर्ट है उसके नाम पे से ये चैनल का नाम पड़ा सहारा। सेकेंड, मूवी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड मोशन पिक्चर। मूवी कौन से वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है? मोशन पिक्चर। मतलब मूवी में क्या होता है कि एक्शन पिक्चर्स होते हैं, मतलब कि कैरेक्टर्स होते हैं जो लाइव परफॉर्म करते हैं मूवीज में। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ क्या हुआ वो? मोशन पिक्चर, मतलब कि हिलता डुलता पिक्चर, है ना। तो मूवी किसका शॉर्ट फॉर्म है? मोशन पिक्चर। पृथ्वीराज कपूर वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट राज्यसभा। पृथ्वीराज कपूर जो थे वो फर्स्ट नॉमिनेट, जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े नामदार इंसान थे, तो वो फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड हुए राज्यसभा के लिए। मतलब कि वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे फिल्म इंडस्ट्री के जो पॉलिटिकल फील्ड में गए। फोर्थ, द फर्स्ट साउंड पिक्चर टू बी मेड इन इंडिया वॉज आलम आरा। फर्स्ट साउंड पिक्चर कौन सी बनी थी? आलम आरा। द फर्स्ट, फिफ्थ, द फर्स्ट साइलेंट फिल्म मेड इन इंडिया वॉज पुंद्रा। साइलेंट फिल्म कौन सी बनी थी? पुंद्रा। सिक्स्थ, द कलर टेलीविजन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन ईयर 1982। कलर टीवी कब आए थे? 1982 में। मतलब कि जब हमारे ग्रैंड पेरेंट का भी ग्रैंड पेरेंट भी बहुत बड़े हो गए, उसके बाद ये कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ था। सेवन नंबर, ऑल इंडिया रेडियो वॉज चेंज्ड टू आकाशवाणी इन द ईयर 1957। ऑल इंडिया रेडियो उसका उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? आकाशवाणी में कन्वर्ट कर दिया था इन 1957। कौन से ईयर में? 1957 में। एट, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वॉज द इनिशियल नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का एक्चुअल नेम क्या था? इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। नाइन नंबर, इंडियाज फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन वॉज सेटअप इन द ईयर 1959। टेलीविजन स्टेशन का सेटअप, मतलब कि हमारे टीवी में जो भी फंक्शन, मतलब कि जो भी चैनल्स आते हैं वो ऐसे के ऐसे तो आए नहीं जाते, उसको सैटेलाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले जो एंगल्स आते थे, जो चैनल आते थे, वो लगवाना पड़ता था। तो जो ये फर्स्ट टेलीविजन स्टेशन का सेटअप हुआ था, ये कब हुआ था? 1959 में। 10, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन ईयर 1927। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वॉज स्टार्टेड, कब स्टार्टेड हुआ था रेडियो ब्रॉडकास्टिंग? 1927। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अवर लेसन इज लेसन नंबर 39, लेट द म्यूजिक गो ऑन। ओके, म्यूजिक के बारे में आपको ये लेसन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो यहां पे आपको एक एज अ गेम आपको एक दिया हुआ है, पजल टाइप दिया हुआ है। उसमें आपको करना क्या है कि एक अक्रॉस है और एक डाउन है, मतलब आप जो करते हो ना वो ऐसे फाइंड करके ये आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट है साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को क्या कहते हैं? कर्नाटिक। सेकंड,
When someone sings or plays an instrument alone, तो मतलब कोई इंसान अगर अकेले ही गाता है और कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो उसको वो परफॉर्मेंस को क्या बोलता है, सोलो, सोलो परफॉर्मेंस. थर्ड, व्हेन फोर पीपल सिंग और प्ले टुगेदर, उसको क्या कहते हैं, क्वार्टेट. जब कोई परफॉर्मेंस साथ में करते हैं, ग्रुप परफॉर्मेंस कोई करता है तो उसको कहते हैं क्वार्टेट. फोर नंबर, पंडित शिव कुमार शर्मा प्लेज दिस इंस्ट्रूमेंट. पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, संतूर. फिफ्थ, अ टाइप ऑफ म्यूजिक इन्वॉल्विंग रिमिक लिरिक्स चेंटेड टू अ म्यूजिकल एकॉम्पनीमेंट, तो रैप. मतलब कि हम बीच बीच में, जैसे कि अभी लेटेस्ट में आप अगर गाने सुनते हो तो हनी सिंह के गाने सुनते हो, बादशाह के गाने सुनते हो, तो सॉन्ग के बीच बीच में ऐसे लिरिक्स आते हैं ना, जैसे कि कोई सेंटेंस बोल रहा है ना, तो उसको रैप बोलते हैं. फिर डाउनवर्ड, व्हेन मैनी पीपल सिंग टुगेदर, बहुत सारे लोग अगर एक साथ गाते हैं. अब देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन फोर पीपल सिंग्स और प्ले टुगेदर, मतलब कि जब बहुत सारे पीपल गाना भी गाते हैं और इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं तो उसको कहते हैं क्वार्टेट. बट यहाँ पे क्या दिया है, व्हेन मैनी पीपल सिंग टुगेदर, सिर्फ गाना साथ में गाते हैं उसको बोलते हैं क्वार्ट. द पर्सन हु गाइड एंड ऑर्केस्ट्रा और अ क्वायर इज अ कंडक्टर. थर्ड, म्यूजिकल ड्रामा इन विच सिंगिंग इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्पीच, ओपेरा. अगर कोई म्यूजिकल ड्रामा मतलब कि कोई स्पीच देने के लिए अगर कोई गाना गा, मतलब कि कोई स्पीच अगर कोई सिंग सॉन्ग के वे में अगर स्पीच देता है कोई, तो उसको बोलते हैं ओपेरा. द इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय उस्ताद जाकिर हुसैन, तबला. फिफ्थ, अ स्टाइल ऑफ म्यूजिक नेटिव टू अमेरिका कैरेक्टराइज्ड बाय द रिदमेटिक क्वालिटीज ऑफ सिंगिंग जैज. मतलब कि जो आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज में जो भी म्यूजिक के कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टराइज्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जैज. नाउ वी गोइंग ऑन लेसन नंबर 40, डांस इंडिया डांस. मतलब कि यहाँ पे वो टीवी में आता है वो वाला नहीं है, यहाँ पे आपको डांस के टाइप्स दिए कि इंडियन कल्चर में कौन से टाइप के डांस होते हैं. फर्स्ट है क्लासिकल डांस. क्लासिकल डांस में क्या होता है कि उसमें इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिस्ड डांस फ्रॉम इंडिया. इट वाज ईयरली प्रैक्टिस्ड मेनली इन द रॉयल कोर्ट्स एंड टेंपल्स. द गुरु शिष्य सिस्टम हैज केप्ट दिस ट्रेडिशनल अलाइव. अब इसमें क्या होता है, क्लासिकल डांस में आपको ये क्लासिकल डांस की बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप क्लासिकल डांस सीख पाते हो. देन क्लासिकल डांस में क्या होता है, गुरु एंड शिष्या, मतलब कि क्लासिकल डांस जो सिखाता है उसको गुरु बोलते हैं और जो सीखता है उसको शिष्य बोलते हैं, है ना. लेकिन क्लासिकल डांस सीखना इजी नहीं है. ओके, जैसे क्लासिकल डांस कौन से होते हैं, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, है ना, ये सब होता है क्लासिकल डांस. ओके, नेक्स्ट है फोक डांस. फोक डांस होता है, फोक डांस को हम अगर अनदर वर्ड यूज करें फोक डांस के लिए तो होता है कल्चर डांस. कल्चरल डांस जो हम बोलते हैं, जैसे कि गरबा, घूमर, फिर अलग अलग
अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो बोलते हैं डांस, उसको बोलते हैं फोक डांस। मतलब कि खुद की स्टेट में जो फेमस कल्चरल डांस है उसको बोलते हैं फोक डांस, ठीक है। देन मॉडर्न डांस, मॉडर्न डांस क्या होता है कि जैसे अभी आप सीखते हो मूवीज, मूवीज के जो सॉन्ग्स पे आप डांस सीखते हो, स्टेप्स करते हो, ये होता है मॉडर्न डांस। जो 20th सेंचुरी के जो डांस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मॉडर्न डांस, जिसके लिए कोरियोग्राफ करते हैं लोग एंड दैट। अब इसमें आप फर्क देखो, क्लासिकल डांस जो सिखाता है उसको बोलते हैं गुरु, एंड मॉडर्न डांस जो सिखाते हैं उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर, है ना। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के दिए हैं डांस, जो क्लासिकल भी है और फोक डांस भी है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डांस कौन से स्टेट के हैं। फर्स्ट है बिहू, बिहू है आसाम का। सेकंड इज मोहिनीयत्तम, मोहिनीयत्तम कहाँ का है, केरला। ओडिसी, ओडिशा। भरतनाट्यम, तमिलनाडु। एंड तमाशा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हुआ डांस। नेक्स्ट वन इज आपको नेम द क्लासिकल डांस एंड दिस फेमस डांसर आर एसोसिएटेड विथ। मतलब कि डांस आपको यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं, अब वो नाम के इंसान कौन से डांस के लिए फेमस हो चुके हैं उसके बारे में आपको लिखना है। फर्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति एंड मृणालिनी साराभाई, वो किसके लिए फेमस हो चुके हैं, भरतनाट्यम के लिए। सेकेंड है बिरजू महाराज एंड गोपी कृष्णा, जो कथक के लिए। थर्ड है राजा एंड राधा रेड्डी, कुचिपुड़ी। सेकेंड इज निर्मला मेहता एंड झावेरी सिस्टर्स, इसके लिए मणिपुरी। और लास्ट वन इज सोनल मनसिंह एंड संयुक्ता पानीग्राही, जो ओडिसी नृत्य के लिए फेमस हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का स्टडी करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।